नमस्कार, मैं बताना चाहूँगा, मैं आपको बद्रीनाथ जी का दर्शन कराया, आप जोशी मठ का दर्शन कराया। आज बद्रीनाथ के अंदर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, वहाँ पर जनता ने विद्रोह कर दिया है, मगर लॉकडाउन की वजह से वो लोग आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ बद्रीनाथ जी साक्षात विराजमान है, उसके इर्द गिर्द में जितनी होटल है, धर्मशालाएं हैं, जितने मठ है, जितने मंदिर है और जितने ही गेस्ट हाउस है और लोग रहते हैं वहाँ पर, 6 महीना नीचे रहते हैं और 6 महीना बद्रीनाथ रहते हैं, तो वहाँ पर सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने 4 साल पहले, देखिए 4 साल पूरा हो गया है, जैसे ही सरकार सत्ते में जैसे ही आई, वैसे ही सरकार ने वहाँ के जो जमीन होती है, वहाँ की जो रेट होती है, उनको फुल स्टॉप लगा दिया और एक मास्टर प्लान और स्मार्ट सिटी के नाम पर, मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है, मास्टर प्लान और स्मार्ट सिटी के नाम पर उन्होंने जिस तरीके का तांडव खड़ा किया है, जिस तरीके का उन्होंने आम जनता के साथ, वहाँ के जो वासिंदे हैं, जो मठ मंदिर वगैरह चलाते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा मतलब धोखा कर दिया, समझ लीजिए पीठ पर वार कर दिया है। मास्टर प्लान और स्मार्ट सिटी के नाम पर उनको सबको नोटिस भेज दी गई है कि वो जगह खाली कर दे और यहाँ से चले जाए। तो सोचिए कि सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर ये सब है, होटल्स है, लॉज है, धर्मशालाएं हैं, मंदिर है और आश्रम है, सैकड़ों की संख्या में और हजारों की संख्या के अंदर वहाँ पर लोग जो है काम करते हैं 6 महीना और उनकी रोटी रोजी चलती है, उनका परिवार चलता है, परंतु ये परिवार बुरी तरह पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं। जो आय का स्रोत बना था, लोग जो है अपनी आवाज़ को नहीं दबा उठा पा रहे हैं। सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर थोड़ी बहुत आवाज़ किसी की बुलंद भी होगी तो उसे दबा दिया जाएगा। तो सरकार की ये जो गुंडागर्दी है, सरकार जिस तरीके से मास्टर प्लान और स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को के भावनाओं के साथ ही नहीं, लोगों के धंधे और लोगों के पेट के साथ भी जो खिलवाड़ कर रही है, ये बहुत ही शर्मसार है, इसका घोर निंदा हो रही है। और दूसरी ये बात बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर 3-3 मुख्यमंत्री 4 साल में चेंज हो गए हैं और 10 साल के अंदर 11 मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सोचने और समझने की बात है कि किस तरीके का उत्तराखंड चला रही है सरकार। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि सरकार सत्ता नहीं संभाल पाती है, लोगों को बेरोजगार कर रही है और लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, लोगों के अंदर जो है बहुत बुरी तरह पूरी तरह जो है लोग जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के व्यापार और धंधे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों को बेरोजगार करके लोगों को भुखमरी के कगार पर लेके आने वाली ये सरकार। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बद्रीनाथ का ये आलम है, मैंने अपनी आंखों से ही देखा है और वहाँ की जनता ने वहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से विरोध किया है। लोग वहाँ पर आक्रोश में थे, गुस्सा में थे, लोग इकट्ठा ना हो सके, इसलिए इसका कोरोना काल का भी एक बहाना बनाया गया है, लॉकडाउन का बहाना बनाया गया है ताकि लोग इकट्ठा ना हो सके और वहाँ पर कोई बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन ना छेड़ सके। लेकिन लोगों की आंखों में मैंने दर्द देखा है, गुस्सा देखा है, आक्रोश देखा है, लाल हो गए हैं लोग, बहुत आक्रोश में है। हो सकता है सामने इलेक्शन है, सरकार को लात मार के उतार दे। कांग्रेस सरकार ने ये मुद्दा जोर शोर से भी उठाया है, परंतु मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके का गंदा और घिनौनी हरकत हो रही है, सरकार जिस तरीके के साथ गंदा और घटिया बर्ताव कर रहे हैं, मैं फिर बार बार सावधान करना चाहूँगा। मैं हेमंत कोसावर उत्तराखंड से बद्रीनाथ जोशी मठ, धन्यवाद। मैं चाहूँगा आपको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। थैंक यू।